हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY जो कि है डिश वॉश लिक्विड। जैसे कि अभी आजकल लॉकडाउन है तो सबको बर्तन खुद ही वॉश करने पड़े हैं, मुझे भी ऑफ कोर्स खुद ही करने पड़ रहे हैं, तो मेरे हाथ काफी ज्यादा रफ हो गए थे बिकॉज कभी भी इतने मतलब बर्तन कभी हमने घर पे करे ही नहीं, बट अभी तो करने ही हैं। तो हैंड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे थे, मेरी हैंड्स की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती थी बट अभी बहुत ज्यादा खराब होने लग गए थे। बिकॉज जो हम यूटेंसिल्स के लिए सोप या लिक्विड जो भी यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा हार्श होते हैं और हमारे हैंड्स बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं बिकॉज बर्तन तो कभी भी खत्म ही नहीं होते। काश ऐसा होता कि बर्तन अपने आप ही वॉश हो जाते, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, तो हमें खुद ही वॉश करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने एक अपने लिए यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए एक लिक्विड बनाया है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी, उससे बहुत ज्यादा मतलब इरिटेशन भी नहीं होती और बहुत ही इजीली क्विकली बन जाता है और ज्यादा उसमें मतलब आपको बाहर से कुछ ज्यादा सामान लाने की भी जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसके लिए मैंने 1 लेमन को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। आप इसमें यूज्ड जो लेमन पील्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हों उनको भी अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। इनको हमें इतना अच्छे से बॉईल करना है कि जो इसका पील है मतलब इसका छिलका है वो अच्छे से उबल जाए, बहुत सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसके बाद कुछ बाद ये देखिए कि पानी में इसके सारा फाइबर सारा जो उसमें वो है सारा निकल जाएगा और पानी में आ जाएगा। अब उसमें जितना भी लेमन का जो भी मटेरियल है उसको हम अच्छे से निकाल के एक जार में डाल लेंगे। और आप इसको मिक्सी ग्राइंडर में भी कर सकते हो और मैं इसको हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ। हमें इसको बहुत फाइन पेस्ट करना है, जितना फाइन हम ग्राइंड कर सकते हैं उतना फाइन हम करेंगे बिकॉज उसके बाद हमने इसको करना है स्ट्रेन। अब इसमें जो लेफ्ट है वो वाटर था वो भी मैंने ऐड कर दिया ताकि अच्छे से एक बार इसमें भी अगर कोई फाइबर होगा तो वो भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। अब मैं इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर रही हूँ मतलब छान रही हूँ। तो इसका जो पानी निकलेगा हमने इसको स्पून की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, जो भी इसका ये बच गया है पील का जो भी छिलके का एक्स्ट्रा फाइबर था वो निकल गया है, इसको हमने थ्रो अवे कर देना है। और ये नीचे देखो जो बचा है ये हमारा बन गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 स्पून सॉल्ट, आप क्वांटिटी के हिसाब से सॉल्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं और इससे कोई भी नुकसान नहीं होता ये सारी चीज़ों से, क्योंकि लेमन है उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा, सॉल्ट से भी नहीं होगा। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप चाहें तो इसमें सोडा भी डाल सकते हैं जो मीठा सोडा है खाने वाले का। अगर बहुत ज़्यादा टफ स्टेन्स आपने क्लियर करने जैसे कोई कढ़ाई जली हुई है तो उसमें आप वो सोडा भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं अगर नॉर्मल बर्तनों के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये अच्छे से पहले मैंने अभी इसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया है, अब इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा विनेगर। विनेगर में ऐसे क्या होता है कि जो भी बर्तनों में अगर स्मेल है किसी चीज़ की या कोई भी स्टेन्स हैं वो भी सब निकल जाते हैं, तो इसमें विनेगर डाल रहे हैं हम। कोई भी विनेगर जो आपके पास पड़ा हो पुराना या यूज्ड कैसा भी हो तो वो आपने इसमें ऐड करना है और इससे क्या होता है कि इसमें स्मेल भी नहीं आएगी, तो ये थोड़ा टाइम चल भी जाएगा सॉल्ट और विनेगर से। तो बस थोड़ा सा विनेगर हमने इसमें डालना है, करीब मैंने 2 स्पून्स डाला है अप्रॉक्सीमेटली, आप क्वांटिटी के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और बस इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब यहीं पर आप अगर चाहें तो आप सोडा ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो उससे क्या होगा कि जैसे कोई दूध का बर्तन है जला हुआ, सपोज एग्जांपल कभी दूध जल गया या कढ़ाई में कोई सब्जी जल गई तो उसको इजीली क्लीन हो जाता है। अब ये एक फेस वॉश की बॉटल मेरे पास पड़ी हुई थी तो आप किसी भी ऐसी बॉटल में डाल सकते हैं, या तो आपके पास कोई लिक्विड जो डिश वॉश लिक्विड का होता है जार उसमें डाल सकते हैं। जैसे एक मेरे पास ग्लास का कंटेनर था, एक मैंने इसमें डाल दिया और इसमें भी डाल दिया। अब ये इसके साथ मैंने क्या ऐड किया है, क्योंकि इसमें झाग नहीं बनेगी क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी इसमें सोप वाला एजेंट नहीं डाला, तो इस वाले में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सर्फ। सर्फ इसलिए डाला है ताकि थोड़ा सा झाग बने, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। और इस वाले में जो जार में है इसमें मैं ये डाल रही हूँ हैंड वॉश,
हैंड वॉश में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास विम लिक्विड नहीं है। अगर आपके पास विम जेल लिक्विड जो आता है वो पड़ा है तो 1 स्पून आपने बस वो डालना है। तो ये मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ कि कैसे वर्क करता है। अब ये जैसे इस बर्तन में ये सब्जी जली हुई है तो इसको ये कैसे क्लीन करेगा। देखो मैं इसमें थोड़ा सा ये डाल रही हूँ। अब मैं बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए हुए ये कितना इजीली इसको क्लीन कर देगा आई विल शो यू। ये बिल्कुल भी कोई इसमें एडिटिंग नहीं है। यू कैन सी दैट आपके सामने वो जला हुआ बर्तन था और देखिए कितना इजीली क्लीन हो गया और ये सच में वर्क करता है। तो इसको आप खाली बर्तनों के लिए नहीं, जैसे किचन में चिमनी है चिमनी को क्लीन करना है, या किचन में जो डोर्स हैं हैंडल्स हैं और जो भी हमारे कबर्ड्स बने होते हैं किचन में वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली ग्रीसी हो जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ बिकॉज इससे शाइन भी आती है और जो भी स्टिकीनेस होती है चिपचिपा हो रहा होता है सब कुछ बहुत ही ग्रीसी हो जाता है वो। देखो ये कितना क्लीन हो गया। तो इसको हम किचन के लिए परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बनाया है, इसमें मैंने विम लिक्विड की बॉटल्स में डाला है और थोड़ा सा विम जेल लिक्विड भी डाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।